एक सप्ताह पहले सेक्टर 29 बाईपास रोड पर हथियार के बल पर गाड़ी चालक के साथ लगभग 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच 30 ने आज धर दबोचा। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सरफराज, नवाब खान, आकिब, समीर तथा सलमान का नाम शामिल है। आरोपी सलमान दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है। वहीं अन्य 4 आरोपी फरीदाबाद के इस्माइलपुर एरिया के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों की उम्र लगभग 20 से 22 साल है। आरोपी सरफराज की इस्माइलपुर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। इसके अलावा सभी आरोपी छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके पूछताछ शुरू की गई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 5 सितंबर को संजय के साथ 1,90,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने बताया कि उस दिन शाम के समय सेक्टर 85 के रहने वाले संजय पल्ला से अपने घर जा रहे थे, जो सेक्टर 28-29 के बीच जब बाईपास रोड पर पहुंचे तो 4 आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आए और संजय की गाड़ी के पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद चारों आरोपियों ने संजय को पिस्तौल दिखाते हुए लड़ाई झगड़ा किया और उसके सिर पर हथियार से चोट मारकर उससे पैसे लेकर और गाड़ी की चाबी लूटकर भाग गए। यही नहीं, जाते जाते आरोपी अपने पिस्तौल को भी वहीं फेंक कर चले गए। पीड़ित संजय ने इसकी शिकायत पुलिस थाना सेक्टर 31 में दी, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ लूट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 5 सितंबर की शाम को हमें सूचना मिली थी 28-29 से कि बाईपास पे यहाँ पे एक व्यापारी है संजय सिंगल नाम का, वो कहीं से अपने पैसे लेके आ रहा था पल्ला एरिया से और अपने घर पे उनको लेके जा रहा था। तो उसके साथ 4 अज्ञात स्कूटी सवारों ने उसके पहले पीछे से स्कूटी उसकी गाड़ी में टकराई और इस बहाने से उसको रुकवा लिया और उसके बाद उसके मारपीट करके उसके सिर में चोट मार दी, उससे करीबन 1,90,000 रुपये छीन के फरार हो गए। व्यापारी क्या काम करता है और व्यापारी क्या काम करता है, इनको कैसे पता लगा कि इतने पैसे लेके जा रहे हैं? एक्चुअली ये व्यापारी रोड क्रेशर का सप्लाई का काम करता है और जिनको सप्लाई कर रखी थी उनसे पैसे इकट्ठे करके ये अपने घर पे जा रहा था। पैसे का पता इस तरह चला, एक जो इनमें एक्यूज्ड है सरफराज नाम का, उसके फादर का बिल्डिंग मटेरियल का काम है पल्ला एरिया में, तो उससे भी उस दिन ये पैसे लेके आया था। तो सरफराज को इस बात का पता था कि ये पैसे लेके जा रहा है, सरफराज ने अपने अन्य साथियों को इसकी सूचना दी और इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। सरफराज ये सभी 5 लोग इस्माइलपुर एरिया के रहने वाले पल्ला एरिया। क्या रिकॉर्ड के मुताबिक ये पहले से भी ऐसे कुछ रहे हैं कि लूटपाट करते रहे हैं, ऐसा कुछ मामला सामने आया? इनके खिलाफ लूट के तो नहीं, चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और इनको हमने भी अब रंगे हाथों अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कितने हथियार मिले सर? इनसे 2 अवैध हथियार मिले। बताया जा रहा था सर, जब लूट का मामला हो रहा था कि इसमें कुछ पिस्टल बताई जा रही थी कि उसकी बट से उसे मारा था, वो भी बरामद हुई इसमें, क्या था? इसमें अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि उस टाइम पे भी जो दो, हालांकि वो असली हथियार तो नहीं थे, खिलौना नुमा 2 हथियार वो मौके पर छोड़ के फरार हो गए। क्या इनका जो ये